हाय गाइस, अभी भी 100 डेज कैट के बचे हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का पूछना है कि सर, क्या अब भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं या अब हमें 2025 के लिए फोकस करना चाहिए? यार, 100 डेज, आई थिंक अगर आपके बेसिक्स इन प्लेस हैं, अगर आपको बेसिक मैथ आता है, प्लस माइनस करना, जमा घटा गुणा आता है, देन 100 डेज इज स्टिल वेरी गुड इनफ फॉर यू टू क्रैक कैट। 100 डेज तो कैट के लिए है, फिर 1 महीना उसके बाद है तकरीबन, लाइक 15-20 दिन स्नैप एनवैट के लिए, फिर उसके बाद जनवरी में जाट है, उसके लिए भी ऑलरेडी 50 दिन और एक्स्ट्रा। सो दिस टाइम इटसेल्फ यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड कॉलेज अगर आप कैट, स्नैप एनवैट, जाट पे अभी भी फोकस करो। तो अब 100 दिन में कैट क्लियर करने के लिए आपको ऑब्वियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा, हवा में बात नहीं होगी। देखो, जिसने जैन फेब में शुरू किया ना, वो बीच में अगर थोड़े बहुत दिन गोली भी दे गया, गायब भी हो गया, अगर थोड़े बहुत दिन पढ़ाई नहीं की, घूमने फिरने चला गया, कभी इरेगुलर हो गया, तो वो फिर भी उस इशू को मैनेज कर सकता था। बट यहाँ से कहानी काफी सीरियस हो जाती है। इनफैक्ट मुझे लगता है लाइक 15 अगस्त से 26 जनवरी, मैं हमेशा ये मानता हूँ 15 अगस्त अगला झंडा फहराना है, 26 जनवरी, इन दोनों झंडे फहराने के बीच आपके हाथ में बहुत सारे अच्छे ऑफर्स हो सकते हैं अगर आप इस टाइम पीरियड में काम करोगे तो। क्योंकि 26 जनवरी के करीब आपके पास जैट का, स्नैप का, एनमैट का, कैट का, सबका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, एंड हो सकता है आपने मेहनत करी हो तो आपके पास मल्टीपल कॉल्स होंगी, तो तब तक आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है इस 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच, अगर आप सीरियसली अभी पढ़ाई शुरू कर दो तो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं अभी बात करूं तो 100 डेज का क्या प्रिपरेशन प्लान हो सकता है, बिकॉज बिना स्ट्रैटेजी के आप आगे नहीं जा पाओगे। सबसे पहली चीज है, मान लीजिए अभी मैं 15-17 अगस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगले 40 डेज के अंदर अंदर आपको सिलेबस करना पड़ेगा। अब मिनिमम फॉर मतलब मिनिमम बेयर मिनिमम आप ये मान के चलिए, ऑन एन एवरेज आपको कम से कम मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑन एन एवरेज डेली देने पड़ेंगे अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो। अगले 40 दिन तक आप कोशिश करिए कि आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाए, ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन, हर 1 से 2 दिन में आपको हर टॉपिक को निपटाना पड़ेगा ताकि आपके बेसिक्स ब्रश अप हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ भी पढ़ नहीं रखा है यार, पहले पढ़ा हुआ है, कुछ लोग तो ऑलरेडी 90+% लेकर आए हुए हैं 10th में 12th में, उनके लिए कंपैरेटिवली फिर भी कम मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियस एफर्ट डालो 6 से 8 घंटे रोज के, तो 40 दिन में आप अपना पूरा सिलेबस टच कर सकते हो। अब देखो, वर्बल के लिए आपको सिर्फ रोज के 1 से 1.5 घंटे रीडिंग की जरूरत है, आप कम से कम 3 से 4 RC ट्राई करिए, एक एडिटोरियल आर्टिकल पढ़िए। पजल्स में भी सेम, 3 से 4 आप पजल ट्राई करिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से, एवरी डे यू शुड बैंग योर हेड अगेंस्ट द पजल, सॉल्व हो या ना हो, 3 से 4 रोज। अगर क्वांट की बात करूं तो 40 से 50 क्वेश्चन आपको रोज के ट्राई करने पड़ेंगे क्वांट के। अगर आप इतना बेयर मिनिमम कर रहे हो तो 40 डेज में आप आराम से सिलेबस टच कर लोगे, क्योंकि मेजर सिलेबस यही क्वांट का, बाकी सबका इतना मेजर सिलेबस है नहीं। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि सिलेबस पूरा होने के बाद ही हम मॉक शुरू कर सके, आपको मॉक्स पैरेलली ही शुरू करने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि शुरू के 4-5 मॉक तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने में, ये समझने में कि कौन सा सेक्शन कब आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ होते हैं, इसी में चले जाते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कम से कम आप 5 से 6 मॉक इस पीरियड में दो, इस 40 डेज के पीरियड में। मान लीजिए हम आप 25 सितंबर तक पहुंच गए हो, ठीक है, 25 सितंबर आपकी डेट होनी चाहिए कि 25 सितंबर तक मेरा सारा सिलेबस पूरा हो जाए, ऑलमोस्ट सारा। ऑलमोस्ट सारा मतलब आपने अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और एलजेब्रा एटलीस्ट ये मेजर पार्ट कर लिया हो। अब नेक्स्ट 30 डेज आते हैं 25 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच। इन 30 दिनों में अब आपको अपना रिविजन पे फोकस करना है, और वो रिविजन मॉक्स के थ्रू करना चाहिए। जैसे आपने एक मॉक दिया, इस 30 डेज में आप कोशिश करिए कम से कम 8 से 10 मॉक हो, हफ्ते के या 15 दिन के आपको 5 मॉक देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप अपने मॉक दिया, मॉक को एनालाइज किया, उसमें देखा कि अच्छा भाई मेरा परसेंटेज का क्वेश्चन ठीक है लेकिन मेरा अलजेब्रा का खराब है, तो आप जाइए अलजेब्रा का वो वाला पार्ट रिवाइज करिए। ज्योमेट्री में आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को ऑर्थो सेंटर तो समझ आ रहा है बट मुझे सेंट्रॉयड नहीं समझ आ रहा, तो आप जाइए सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सारे एक बार दोबारा से रिवाइज करिए।
जो क्वेश्चन गलत हो, जिसमें अटके हो, जिसमें टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिवाइज दोज टॉपिक्स। इस एरिया में मुझे लगता है, इस टाइम जोन में आपको धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स को डंप भी करना शुरू कर देना पड़ेगा लास्ट के 1 से 1.5 महीने में। ठीक है, इसमें तो नहीं, बट फिर भी अगले वाले 30 डेज में आई वुड एडवाइस। जैसे कुछ टॉपिक्स है आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये प्रोबेबिलिटी काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी के लिए कह रहा हूँ 100 दिन का है, तो प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे पता है एक ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो हालांकि वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, 30 सेकेंड से भी काफी जल्दी, या 30 सेकेंड्स में हो जाता है कि जिसको आता है, लेकिन आपको लग रहा है यार मेरे पास टाइम की कमी है, मैं एडवांस नंबर सिस्टम को छोड़ दूं, दैट कैन हैपन। आप उस मोमेंट पे, अभी बेसिक्स तो रिवाइज सबके करिए, बेसिक्स तो सबके कवर करिए, बट इस मोमेंट पे यू कैन स्टार्ट डंपिंग फ्यू टॉपिक्स, अ फ्यू टॉपिक्स वो जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लास्ट के 30 डेज बचते हैं फिर आपके 25 सितंबर से 25 सॉरी 25 अक्टूबर से 24 नवंबर तक के, जो 1 महीने के करीब बैठता है। इस 1 महीने में आपका फुल फ्लेश्ड मॉक पे ही फोकस होना चाहिए, और मुझे लगता है उस टाइम तक आपके बेसिक्स, आपके रिवीजन इन प्लेस हो जाना चाहिए। फिर भी जो भी स्मॉल स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ फॉर्मूले का रिविजन है, वो सारी चीजें आपको लास्ट के 30 डेज में करनी चाहिए। हेयर यू शुड वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अब 30 डेज में आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए आखिर के, कि मैंने अभी तक 70 दिन में ये चीजें करी हैं, ये मेरा स्ट्रांग एरिया है, ये मेरा वीक है। तो आप उस स्ट्रांग एरिया को पिक करिए, चाहे वो क्वांट है, क्वांट में आप पहले 7 से 8 क्वेश्चन पिक करिए, ये मेरे स्ट्रांग है, आई शुड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। हालांकि दूसरे एरिया में भी इजी क्वेश्चन मिल सकते हैं, दैट ऑल्सो यू शुड ट्राई, लेकिन हेयर यू शुड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, एंड जो आपकी वीकनेस है उसको आपको कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी लास्ट 30 डेज में। योर फोकस विल बी ऑन मॉक्स एंड लर्निंग थ्रू मॉक्स। मिनिमम यू शुड ट्राई 25 to 30 मॉक्स में अभी भी दे सकूं, 25 मॉक तो आपको देने ही पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम योर कैट के पेपर्स जो भी है। ठीक है, इफ यू फॉलो दिस एडवाइस, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, अगर आप लगा सकते हो 6 घंटे के करीब ऑन एन एवरेज, 6 से 8, देन आई कैन गारंटी यू यू कैन इजीली क्रैक कैट विद वेरी गुड परसेंटाइल, इवन 98-99 परसेंटाइल ऑल्सो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन अब एक्सेलरेटर पर पैर दबाइए, चेंज योर गियर्स, लेट्स बी इन द फाइनल गियर, 5th गियर में आ जाइए अब धीरे धीरे, सिर्फ 3 महीने की 100 दिन की बात बची है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।